सर नो अदर कॉमेंट। सर और मैं क्या कह सकता हूँ, 370 आ गया तो हमने क्या कर लिया, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हमने क्या कर लिया, हमने कौन सी मूवमेंट उधर शुरू कर दी, हमने उनपे कौन। इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। फिर उसका स्ट्रॉन्गमैन इमेज खत्म हो जाता है। अब ये सारा वो स्ट्रॉन्गमैन इमेज भी अपना मेंटेन करे जी, तो दूसरी तरफ ये जो उसको पसपाई के लिए आवाजें आ रही हैं और जो मसला बना हुआ है वो कैसे फिर कवर करे। तो एक और स्ट्रॉन्गमैन इमेज के लिए बिल्ड करने के लिए एक और स्टेप कर सकता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। जनरल साहब, इस मर्तबा जो स्ट्राइक होगा, क्योंकि जो उन्होंने सितंबर 2016 में किया था वो डिफरेंट स्ट्राइक था, उसको तो फिल्माया गया, ड्रामाटाइज किया गया, लेकिन फरवरी 2019 वाला स्ट्राइक बहुत ही डिफरेंट था और वो प्रैक्टिकली उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया, गो सक्सेसफुल नहीं रहे। अब का स्ट्राइक किस तरह का मुमकिन हो सकता है, हिंदुस्तान कर सकता है? सर अच्छा, पहले बात मैं जो कर रहा था वो मुकम्मल हो जाए। मैं ये कह रहा था कि ये मोदी चूंकि चालाक आदमी है, वो समझता है अपने लोगों की नफ्सियात, खासतौर पर हिंदू वोटर की, और वो यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई देख लें कि या सुन लें कि ये कार्रवाई की गई है जी, तो वो बाकी अपने सारे दुख भूल जाते हैं, लिहाजा ये उसको एक्सप्लॉइट करेगा। अब बात आ गई कि वो अब कर क्या सकता है। देखिए, एक चीज जो शाह महमूद कुरैशी ने भी वहां जिक्र किया वो ये था कि वो गालिबन मशावरत कर रहे हैं या किसी तरह से वो अपने पार्टनर्स या जो भी उसके इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड रखना चाहता है, और उसमें एक चीज ऐसी है जहां अमेरिका भी का भी मुफाद है और वो उसको ऑनबोर्ड करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, और वो है आपका सीपैक। तो सीपैक में खास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वो आपका वल्नरेबल है, और फिर अगर वो ना हो तो फिर आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ जगह है जहां के ऊपर वो कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अगर सीपैक की तरफ करता है तो अमरीका की हमायत तो उसको होगी और उसको आसानी रहेगी, और इंटरनेशनली फिर जब अमरीका हमायत करता है तो आपको मगरबी दुनिया के बहुत सारे मुल्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गॉड द पॉइंट। इफ्तिखार अहमद साहब, एक कमेंट इस पे कर दें कि हिंदुस्तान अब की बार अगर स्ट्राइक करेगा तो अपने हामियों को एतमाद में लेके करेगा, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? शाह महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बतौर वजीर खारजा, बर वक्त थी, अच्छा किया बता दिया, आपका कॉमेंट क्या है सर इस पर? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी चाहिए और डट के करनी चाहिए, बस यही कमेंट सर, नो अदर कमेंट। सर और मैं क्या कह सकता हूँ, 370 आ गया तो हमने क्या कर लिया, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हमने क्या कर लिया, हमने कौन सी मूवमेंट उधर शुरू कर दी, हमने उनपे कौन सा कोई दबाव बढ़ा दिया। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या खड़े होकर इंतजार कर सकते हैं घंटे का, वो भी हमने बंद कर दिया, तो हम जो काम कर रहे हैं हम यही करते रहेंगे सर। हमने कम अज कम पायलट तो पकड़ लिया ना सर, इफ्तिखार भाई एटलीस्ट मेरी बात सुने। देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिस पे कल ये इल्जाम लगे कि हम लोग मुल्क दुश्मन है। पायलट पकड़ना था, पायलट पकड़ने के लिए फौज रखी गई है, पायलट पकड़ने के लिए एयरफोर्स रखी जाती है, तो ऐसी बात बात ना कीजिए। बात अगर सब कुछ सब अच्छा है तो दुबई में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है? अगर कोई खतरा नहीं है तो शोर किस चीज का मचाया जा रहा है, वबेला क्यों किया जा रहा है? मैं बतौर पाकिस्तानी डिमांड करता हूं कि मेरी सरहदों को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पे तमाम वो एक्शन लिए जाए जिससे मुझे यकीन हो कि हाँ फौज मूव कर रही है। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक कमेंट शाह महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और हिंदुस्तान के मुमकिन स्ट्राइक पे सर। तैयार है और पाकिस्तानी अफवाज भी तैयार हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान का जो एग्रेशन है ये दुनिया को बताना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान जो जारियत का सोच रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी उन्होंने कहा अबू धाबी में कर दी, इससे पहले 370 के बाद क्या किया आपने? आपके वजीर खारजा कितने ममालिक में गए? आपने अपना केस कितने लोगों तक पहुंचाया? डोजियर आपने भेज दिया दुनिया को कायल करने के लिए? आपने कितने अपने वफूद भेजे?
आप खुद सोचिए कि जिसने हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया वो उसने कितने डेलीगेशन अपने भेजे और कितने उसके वजीर खारजा ने विजिट्स किए आपके सामने अपनी कारकर्दगी। तो इन हालात में जब आप दुनिया को ये बावर ही नहीं करा सकेंगे कि ज़्यादती हिंदुस्तान की तरफ से है, जारियत हिंदुस्तान की तरफ से है और इन्वायरमेंट हिंदुस्तान की तरफ से है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? यानी दुनिया तो अब जंगें अब सिर्फ महाज पर नहीं लड़ी जाती, जंगें अब दुनिया में सफारती तल्लुकात से लड़ी जाती हैं। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके मुखालिफ है, इसका आइडिया आपको खुद हो जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ सर, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ आपके जवाब से कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान को लेकर नाकाम चली आ रही है। नसरुल्ला साहब, मेरे ख्याल में आपकी खारजा पॉलिसी को जितना एक्टिव होना चाहिए था आपके, वो इतनी एक्टिव नहीं है। खास तौर पे 370 के बाद जनरल साहब मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जिस तरीके से हमें खारजा महाज पर सफारती तौर पे जिस तरीके से हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया। उसमें अब भी वक्त है, शायद हमें एहसास हो जाए कि हिंदुस्तान के जो जहराना स्टाइल है इस खत्ते के अंदर, उसको हम एक्सपोज करें दुनिया के सामने। जनरल साहब, नसरुल्ला मलिक साहब के व्यूज पे और इफ्तिखार अहमद साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन दुनिया को कन्वे नहीं कर पा रहे सर। जो नसरुल्ला साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जितनी कैंपेन, जितनी मुहिम की जरूरत थी हमें सफारतकारी की, वो हमने नहीं की। हमें देखना चाहिए कि भारत भी अपनी सफारतकारी कर रहा है, और जब तक हम उससे कहीं ज्यादा नहीं सफारतकारी करेंगे तो हम उसके नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सकेंगे, ये बात है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस वहां पे की है, मैं समझता हूं ये एक अकलमंदाना कदम था क्योंकि आपको इंटरनेशनल कवरेज ज्यादा मिला है और वहां पे खास तौर पर अबू धाबी की ये सरजमीन पर बैठ के, क्योंकि वो उनके ताल्लुक काफी बेहतर हो रहे हैं इंडिया के साथ और वहां उनके घर में बैठ के ये बात करनी चाहिए। फिर उसके साथ ही आप देखिए कि चंद दिन पहले ही, ये क्योंकि खबर कोई आज की नहीं है, ये हमें कुछ दिन पहले से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने अफवाज को हाई अलर्ट पे किया और जो जरूरी मूवमेंट वगैरह वो पूरी कर दी। तो उस लिहाज से जहां तक तैयारी का ताल्लुक है वो तो तैयार है, आपने सबने ये खबरें भी सुनी ये हाई अलर्ट वाली, तो वो तो ठीक है कि जमीनी है, लेकिन इसमें सफारतकारी की बहुत जरूरत है ताकि भारत के अजाइम पहले से पता हो। कल अगर हम उसका जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं और जंग बढ़ती है तो दुनिया को पता होना कि ये शाहसाना भारत की तरफ से शुरू हुआ था, हमने नहीं किया। हमें उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए कि जब जंग मुसलत की गई फिर तो हमने जवाब दिया बड़ा जोरदार, लेकिन उससे पहले कसूर तो भारत का जिसने जंग मुसलत की, तो ये आज वादे कर दिया गया, तो उस लिहाज से ठीक है, ये बात बिल्कुल करनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, इफ्तिखार अहमद साहब, सर आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो होता है खत्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से बता रहा है कि फिर से भारत कर सकता है पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तानी मीडिया का ये खौफ देखकर आपको लग रहा होगा कि जो दो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उनसे पाकिस्तानी मीडिया को पता चल गया होगा कि उनका रिजल्ट कितना भयंकर था, भले वो कितना छुपा लें लेकिन हर दम उनके अंदर एक खौफ रहता है कि इंडियन आर्मी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है। हालांकि आपको पता है पिछले 2-4 दिनों से बॉर्डर में काफ़ी टेंशन बनी हुई है और सीज़ फायर वायोलेशन दोनों साइड से ज़बरदस्त तरीके से वायोलेट हो रहा है। आज पाकिस्तान ने एक नई स्टोरी क्रिएट की, UN डिप्लोमेट की गाड़ियों पर फायरिंग की गई है, ऐसी कुछ इन्होंने न्यूज़ चला दी पाकिस्तानी मीडिया में, और इनके DGISPR ने एक ट्वीट भी किया जिसके बाद इंडियन आर्मी ने रिप्लाई करते हुए रिएक्शन दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया गया, ये पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया है, ये झूठी न्यूज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी आर्मी कितनी झूठी है। ये UN डिप्लोमेट्स पर खुद ही गोली चलाकर ऐसी कुछ हरकतें भी कर सकती है जिससे भारत बदनाम हो। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितने बड़े कमीने हैं, ये सामने से तो कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते, ये प्रॉक्सी ही करते हैं। और अभी बर्फबारी के माहौल में आपको पता है कि भारत पाकिस्तान की जो LOC कश्मीर बॉर्डर है वो कितनी विपरीत परिस्थितियों की बॉर्डर है, मतलब ऊपर नीचे नदी पहाड़ सब उसमें है। ऐसी कई जगह के ऐसे इलाके हैं जहां पर इंडिया दोनों साइड से पाकिस्तान से घिरा है और कई जगह पाकिस्तान दोनों साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, और वहां पर इतना जंगल है, वहां पर अभी पाकिस्तान चाहेगा कि बहुत सारे आतंकवादी घुसेड़ दिए जाएँ क्योंकि इंडियन आर्मी भी अभी वहां पर पहरेदारी थोड़ा कम हो जाती है बर्फबारी के टाइम पर। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत में आतंकवाद कंटिन्यू फैलाना चाहता है और ये प्रॉक्सी वार कंटिन्यू करना चाहता है। आपने इस वीडियो में देखा अमजद शोएब जो पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर है, और ये कितना फेक बंदा है। आपने देखा ये हर वक्त ऐसी बातें करता है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका कहना है कि इंडिया में इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए मोदी कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा जिससे कि पाकिस्तान का
वोट बैंक मतलब पाकिस्तान मतलब हिंदू वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान को पिटते हुए देखकर मोदी को वोट कर देगा। मतलब इससे घटिया आपने इसका एनालिसिस सुना ही नहीं होगा। इन बेवकूफ़ों की वजह से, ये पाकिस्तान के बेवकूफ़ों की वजह से हमारा हमें लगातार वीडियो कंटेंट मिलता रहता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ऐसी हड़कंप या ऐसा हलचल क्यों मची हुई है जिससे ये लोग सोच रहे हैं कि फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर करते हैं वीडियो को ख़त्म। जय हिंद।